अरे ये क्या किया तुमने? कुछ नहीं, कब गिरा है? तुम्हारे बाप के घर से नहीं आया था जिस तरह तोड़ दिया तुमने? चीखने और चिल्लाने की जरूरत नहीं है गौहर। क्यों, क्या कर लोगी तुम? मैं तो कुछ नहीं करूंगी, लेकिन अल्लाह आपसे सारी बातों के हिसाब लेंगे। बकवास बंद करो अपनी। आपने और आपके भाई ने जो मिलकर ये प्लानिंग की है ना गौहर, इसका अंजाम अच्छा नहीं है। मुझे तो तुम वैसे ही हर मामले में घसीटती हो। खबरदार, जो आएगा तुमने मेरे भाई का नाम अपनी जबान से लिया। हाँ तो मैं उसका नाम लेना चाहती हूँ और ना ही मैं उसकी शक्ल देखना चाहती हूँ। आप दोनों अपनी असलियत पे उतर आए, खुदा के लिए इल्जाम तराशियां बंद करें। अब तो तुम मेरी हर बात को इल्जाम तराशी कहोगी? फंस जो गई हो तुम सारी बातों में। ये मत समझे गौहर कि आप अपनी सारी चालाकियों सारी चालों में कामयाब हो जाएंगे। एक दिन आएगा और मुंह के बल गिरेंगी आप, बर्बाद और तबाह हो जाएंगी आप। ये क्या तरीका है गौहर से बात करने का? देखा जहांगीर, ये रोजाना मुझसे इसी तरह बदतमीजी करती है, ऐसे चीख चीख कर बात करती है। तुम जाओ यहां से गौहर, जाओ यहां से। एक बात कान खोल कर सुनो, आइंदा मैं तुम्हें इस तरीके से गौहर के साथ बात करते हुए ना सुनूं, समझी तुम? Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.